वही राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मीणा के इस्तीफा से भाजपा में खलबली मच गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पिछले कई दिनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर मीणा पहले ही कह चुके थे कि वे इस्तीफा देंगे। कई नेताओं ने सोचा था कि यह केवल बयानबाजी है, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देकर डॉक्टर मीणा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी चौंका दिया है। यह भी बताया गया है कि डॉक्टर मीणा ने सरकार को अपना इस्तीफा 20 जून को ही सौंप दिया था। इसी वजह से वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में भी शामिल नहीं हुए। तो वहीं अब अपने इस्तीफे को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मैं मीडिया के भाइयों से माफी चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य नीचे करो निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था, आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, बरसात में तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफी चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हो 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, तब की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही है। देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका। और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिल के भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता, न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका, मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं, इसलिए